यहाँ पर करीब 8 कब्रें हैं जो सिकंदर लोदी के फैमिली मेंबर्स का है। एक अपने में एक अनोखा ये गुंबद है जो शायद ही अब कहीं पे इस तरह का गुंबद आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये काफी हॉन्टेड है ये, और लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ दिल्ली के लोदी गार्डन में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ा गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद दिखाऊँ, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल इसके सामने है शीश गुंबद, जो सिकंदर लोदी ने करीब 600 साल पहले बनवाया था इसे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहें और अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये शीश गुंबद। ये आप देख सकते हैं इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, इसका डिटेल थोड़ा, ये आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो शीश गुंबद है, ये सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था उसके शासनकाल में, जो कि था 1489 से लेकर के 1517 तक। तो उसी दौरान उसने ये शीश गुंबद को बनवाया था। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है इसे। इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्लोजअप। ये आप देखेंगे, ये इसका एंट्री गेट है, और इसमें लाइम स्टोन, लाल पत्थर, इन सब को इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, ये उस टाइम का आर्किटेक्ट। इसमें आप देखेंगे कुछ ब्लू कलर के पत्थर भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं पे ये ब्लू पत्थर भी लगाए गए। इसका मैं अभी आपको साइड से भी व्यू दिखाता हूँ किस तरह से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये शीश गुंबद का साइड से व्यू। तो इसके जस्ट सामने है बड़ा गुंबद। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से क्या है इसके अंदर। फ्रेंड्स, अब हम लोग शीश गुंबद के अंदर आ गए। ये आपको मैं दिखाता हूँ अंदर का किस तरह का व्यू है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे कई कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर करीब 8 कब्रें हैं जो सिकंदर लोदी के फैमिली मेम्बर्स का है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 कब्रें हैं, लेकिन किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किसका कब्र है एग्जैक्टली। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका अंदर का किस तरह से कंस्ट्रक्शन, ये इसके इसका गुंबद है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें कई रोशनदान हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कई कब्र है। और फ्रेंड्स, इसी के सामने यहाँ पर है बड़ा गुंबद, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल
शीश गुंबद के सामने है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ और दिखाता हूँ, तो हमारे साथ बने रहें फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा है ये गुंबद। जिस तरह का इसका नाम है उस तरह का ये दिख भी रहा है, ये काफ़ी बड़ा गुंबद है। ये आप देख सकते हैं, ये है बड़ा गुंबद मस्जिद। ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे मेंशनड है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा गुंबद मस्जिद। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बड़ा गुंबद किस तरह से है, इसका कंस्ट्रक्शन और किस तरह का व्यू है इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये लाइम स्टोन से बनाया गया था उस टाइम में, और इसमें लाल पत्थर भी इस्तेमाल करा गया है, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बड़ा गुंबद के बिल्कुल साइड में आपको ये मस्जिद दिखेगी, इसे बड़ा गुंबद मस्जिद बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ा गुंबद मस्जिद है, ये है बड़ा गुंबद। और इसके सामने आप देखेंगे ये एक चबूतरा सा बना हुआ है, कई कब्र हैं इसके अंदर, ये एक चबूतरा सा बना हुआ है बड़ा गुंबद के सामने बिल्कुल, इसमें कई कब्रें हैं। ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट किसका ये कब्र है, और इस पे ऊपर चढ़ना बिल्कुल मना है, ये इस पे लिखा हुआ है। और ये सामने शीश गुंबद था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और ये मस्जिद है जिसके तीन गुंबद हैं। तो अभी फ्रेंड्स, मैं आपको इसके अंदर भी बड़ा गुंबद के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से है इसका अंदर का व्यू। देख सकते हैं, ये मैं क्लोजअप आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन। मैं आपको इस बड़ा गुंबद के अंदर ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से है अंदर का व्यू। इस बड़े गुंबद के अंदर आने के लिए चार एंट्री गेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चारों साइड से अंदर आने के लिए गेट्स बने हुए हैं, और हर गेट के ऊपर रोशनदान है इस तरह से, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर से इसे बनाया गया है। ये लाइम स्टोन और लाल पत्थर को इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। इसी आप देख सकते हैं, ये बड़ा गुंबद के अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके गुंबद का व्यू। और ये गुंबद को बड़ा क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जो आप चौड़ाई आप देखेंगे, वो बिल्कुल जितना नीचे चौड़ा है इसका, ये जो जितना विड्थ है इसका, उतना ही चौड़ा ये इसका ऊपर गुंबद भी है, और ये ऑक्टागोनल शेप में है ये बना हुआ। तो ये एक अपने में एक अनोखा ये गुंबद है, जो शायद ही अब कहीं पे इस तरह का गुंबद आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा गुंबद है, ये जितने बड़े एरिया में ये बड़ा गुंबद मोन्यूमेंट है, उतना ही बड़ा ये बड़ा गुंबद का साइज है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो बड़ा गुंबद है, ये 1494 में सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था, और ये बड़ा गुंबद जो है इसे एंट्री गेट टू मॉस्क भी बोला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो गुंबद है बड़ा गुंबद, इसके साथ में एक लगी हुई मस्जिद है जिसे बड़ा गुंबद मस्जिद बोला जाता है। तो उस मस्जिद में जाने के लिए ये बड़ा गुंबद से होकर ही जाया जाता था, उसका जो है मेन एंट्री बड़ा गुंबद से होकर ही होता था, यानी लोग बड़ा गुंबद से होकर ही जाया करते थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। और फ्राइडे के दिन इस बड़ा गुंबद के अंदर भी लोग नमाज पढ़ा करते थे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप बड़ा गुंबद से बाहर निकलेंगे, तो आपको उसके राइट साइड में ये वाला पार्ट दिखेगा, ये उस टाइम का मेहमान खाना हुआ करता था, मीन्स ये गेस्ट लोगों को ठहराने के लिए इसे बनाया गया था।
और ये बिल्कुल मस्जिद के ऑपोजिट साइड में है और बीच में ये बड़ा गुंबद है। तो फ्रेंड्स, ये मेहमान जो भी होते थे सिकंदर लोदी के, उन्हें यहाँ ठहराया जाता था, वो यहाँ इसके अंदर रुका करते थे। और ये आप देख सकते हैं सामने का किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, ये किस तरह का डिज़ाइन है। इसे भी लाइम स्टोन और लाल पत्थर से बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं लाल पत्थर भी इसमें लगा हुआ है और लाइम स्टोन भी लगा हुआ है। तो ये दो तरह के पत्थर से बनाया गया है। ये अंदर भी देखेंगे आप, पूरा लाइम स्टोन से इसे पूरा बनाया गया था। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस गेस्ट हाउस के अंदर यानी इस मेहमान खाने के अंदर दो रूम बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सामने एक रूम है, मैं इसके अंदर अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह का है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अंदर का किस तरह से कंस्ट्रक्शन है। ये रूम जो है, उस टाइम में जो भी गेस्ट आते थे सिकंदर लोदी के, तो उन्हें यहाँ पर रोका जाता था, वो यहाँ पर ठहरते थे, आराम करते थे। तो इसी तरह का एक और रूम बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन का इसके दूसरे एंड पे भी है, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो हमारे साथ बने रहें। और फ्रेंड्स, जैसे ही इस रूम से आप बाहर निकलेंगे तो आपको सामने एक और रूम दिखेगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक सामने भी आपको एक रूम दिखेगा। और ये रूम इस मेहमान खाने के दोनों एंड पर है। ये आप अभी मैं आपको इसके अभी अंदर ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दूसरा रूम है इस मेहमान खाने का। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अंधेरा है, यहाँ पर उतनी रोशनी नहीं है अंदर और ये काफ़ी डार्क है। ये आप देख सकते हैं अंदर का कंस्ट्रक्शन, ये भी एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा अभी मैंने आपको वो वाला रूम दिखाया था, इसका भी अंदर का कंस्ट्रक्शन वैसे ही है। ये आप इसका ऊपर देखेंगे, ये भी गुंबद बना हुआ है, ये उसका अंदरूनी हिस्सा है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। ये आप देखेंगे ये रैक्स बने हुए हैं, यहाँ पे शायद उस टाइम में कोई सामान रखने के लिए हुआ करता होगा। और दीवार में दिया जलाने के लिए भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये सामने दूसरा रूम है, एक रूम ये और एक दूसरा रूम सामने। तो फ्रेंड्स, इस मेहमान खाने के अंदर दो रूम बने हुए हैं जहाँ पे मेहमान उस टाइम पे आकर के ठहरा करते थे सिकंदर लोदी के, जो भी मेहमान हुआ करते होंगे। और ये बिल्कुल सामने आपको मस्जिद दिखेगी फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा गुंबद मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं इसका बाहर से इस तरह का व्यू है। ये आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे मेहराब पे ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारा ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। ये इस साइड भी, ये इसके हर गेट के ऊपर ये जो मेहराब सा डिज़ाइन बना हुआ है उसके ऊपर में आप देखेंगे ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अभी आपको इसके अंदर ले जा करके दिखाता हूँ किस तरह से। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ा गुंबद मस्जिद है, इसका इस तरह का व्यू है कि यहाँ पे लाल पत्थर से इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, लाल पत्थर और वाइट मार्बल और लाइम स्टोन, ये तीन चीज़ों से इसे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे भी इसके दीवार में ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सालों साल से बिल्कुल वीरान पड़ी है, यहाँ पे कोई नमाज या कोई अजान नहीं होती। ये करीब 600 साल पहले सिकंदर लोदी ने इसे बनवाया था अपने शासनकाल में। आप देखेंगे इसके गुंबद में भी ऊपर चारों साइड में इसके ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स।
देवी की डिजाइंस और कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं इसके गुंबद में चारों साइड। ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने आपको बड़ा गुंबद मस्जिद को अंदर से दिखाया था, और ये इसका बाहर से देखेंगे इस तरह का व्यू है। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक इस तरह से एक आप देखेंगे एक छतरी बना हुआ है और उसमें ये पिलर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका मीनार है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मीनार है, ये आप देख सकते हैं, ये उस टाइम का कंस्ट्रक्शन। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके बैक साइड, जो शायद ही आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये बैक साइड का इसका है पार्ट, जो इसके नीचे पार्ट में ये इस तरह के रूम बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का रूम बना हुआ है जो बंद है। इसके नीचे साइड में ये रूम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पता नहीं इसका क्या पर्पस रहा होगा उस टाइम में फ्रेंड्स, ये काफ़ी हॉन्टेड है ये, और लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब बेहतर होगा कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, इसके अंदर कहा जाता है कि जिन्नातों का बसेरा है और काफ़ी अंदर अंधेरा है, तो इसलिए मैं जाऊँगा नहीं। बहुत ही खौफनाक यहाँ पर का मंजर है, ये काफ़ी डरावना सीन है यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा गुंबद मस्जिद का जो पीछे का पार्ट है, ये उसके नीचे ये रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, और आपने शायद किसी वीडियो या किसी फोटो में देखा होगा। ये मैं आपको अंदर दिखाता किस तरह का क्या है, बट मैं अंदर जाना सही नहीं समझ रहा, अंदर कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको दिखाया भी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये यहाँ पर भी रूम बना हुआ है, बट ये वाला बंद है। इसके नीचे कई रूम बने हुए हैं पीछे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि लोदी गार्डन के अंदर ही है। तो एक वीडियो में पॉसिबल था नहीं ये सारा एक वीडियो में सारा कैप्चर कर, तो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर देखें इसका नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।